अस्सलाम वालेकुम। इस मस्जिद के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नॉलेज नहीं है आपको, तो फिर क्या करने आ गए? तो चलो करते हैं इसका टेस्ट। अब वो इनमें से कौन सा मार्केट है? लोकल मार्केट में यहाँ पे 40 ये है कुछ दिल्ली का व्यू। So are you coming? I am from Kashmir. Are you coming Kashmir? Assalamualaikum and welcome back to my channel Rothar Shahid. उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, जहां पे भी होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं जामे मस्जिद के पास रुका हूं, तो अभी हम रूम पे हैं और इन्होंने बोला है ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी ब्रेकफास्ट भी आ रहा है हमारा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे जाएंगे जामे मस्जिद, जामे मस्जिद का व्यू भी दिखाएंगे और जामे मस्जिद का मार्केट भी दिखाएंगे जो क्या है बहुत ही बड़ा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं जामे मस्जिद। तो लो जी हमारा ब्रेकफास्ट जो है आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आए हमारी चाय, यह है दाल और यह है भटूरे। तो खाते उसके बाद जाते हैं सीधे जामे मस्जिद। तो चलो करते हैं इसका टेस्ट, अब देखते हैं कैसा बना हुआ है। तो थोड़ा सा भटूरी लेते हैं। अच्छा बना हुआ है। हाँ जी, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं सीधे जामे मस्जिद की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, तो निकलते हैं रूम से फिर। बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम जामे मस्जिद की ओर जा रहे हैं। इन सीढ़ियों से हम अंदर जाते हैं जामे मस्जिद के अंदर। ये है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे जो है जूते निकालने पड़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं, अभी निकालते हैं जूता। तो चले जाते हैं अंदर। ये है कुछ इसका व्यू। वाओ माशाल्लाह। इतनी गर्मी। ये आप मस्जिद का व्यू देख सकते हो। गर्मी इतनी है कि इस बच्चे को चलने में दिक्कत हो गई, अब इसने रोना स्टार्ट किया है। अजान सुन सकते हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे जो है वजू करते हैं।
अभी अजान भी हो रही है, अजान जो है वो कम्प्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे वजू करेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, तो मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। ये है कुछ मस्जिद का व्यू और ये है बाहर का व्यू। हम नमाज पढ़ के सीधे बाहर आ गए। ये अब हमारी हालत देख सकते हो, पसीने से पूरा जो है हालत वो खराब हो गई है। अभी किसी से मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या करेंगे। ये देखो कैसे भाग रहे हैं वहाँ से, वो बच्ची देख रही है कैसे रो रही है, क्योंकि जो ये फ्लोर है वो बहुत ही गर्म है धूप की वजह से। अभी वहाँ से दौड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कारपेट बिछाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो उसी से लोग आ रहे हैं। ये हर गेट से बिछाया गया है। ये जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां के वक्त में बनाई गई है, तो ये 1656 में बनाई गई है, तो 5 साल लगे हैं इसको बनाने में। तो शाहजहां जिसने ताजमहल भी बनाया है, उन्होंने ही यही बनाया है जामा मस्जिद भी। तो अभी यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं, फोटोज़ उठा रहे हैं। मस्जिद ये दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है और हिंदुस्तान में बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। आप मुझे बोलना चाहो कि इस जगह के बारे में, जो ये जामा मस्जिद है ये किसने बनाई है, और यहाँ पे जो भी लोकल मार्केट्स है वो उनमें से कौन सा मार्केट फेमस है? लोकल मार्केट्स में यहाँ पे चांदनी चौक है। अच्छा। अभी आप जो लोग जामा मस्जिद के जो गेट है ना, ये रॉयल गेट, इससे नीचे उतर के जाओगे यहाँ पे मीना बाजार है। वहाँ पे आप जो मीना बाजार है वहाँ पे मोस्ट ऑफ थिंग्स जो मिलेंगी सारी आपको लोकल चीजें मिलेंगी। अच्छा जी। और उससे पहले जो मीना बाजार नहीं था वो यहाँ पे नहीं था। मीना बाजार में क्या मिलता है? मीना बाजार में अभी आप जाओगे तो मोस्टली लोकल चीजें मिलेंगी, जैसे कपड़े हुए और जो आजकल चीजें यूज करने वाली हैं, तो चीजें मिलेंगी। तो मुझे बताइए कौन सा मार्केट जहाँ पे हम, जहाँ पे फूड अच्छा मिलता होगा? फूड आप चांदनी चौक जा सकते हैं। चांदनी चौक जाइए, वहाँ पे आपको दिल्ली के बहुत सारे तो अभी लोकल फूड्स हैं, वो सारे जी जी फेमस हैं, जैसे छोले भटूरे हैं, कचौरी है, लस्सी है, रबड़ी है। तो अभी आप इसके टूरिस्ट गाइडर है, तो आप इसके बारे में बोल सकते कहाँ से आ गए हैं? Why from you? Yeah, he just saying you where I'm from. Oh, yeah, from actually. Slovakia, from Europe. Yes. He's come here from the Slovakia. Europe. He's here in India. Yeah, in Europe. How are you feeling here, bro? Yeah, I like it. It's great. Great to be here in old Delhi and experience all these historical wonders. So, yeah. So how many days you have spent here? This is my second day in Delhi. Yeah. What's your next plan? We're gonna be here in the old Delhi. Then Akshardham temple, and then we go to the Gandhi memorial. Right. How is the atmosphere here? Yeah. Atmosphere is great. I mean, there's a lot of people. What kind of people are here? Friendly? Yes, yeah, yes. He's so asking far, you like how the Indian people. Yeah, yeah. Everyone has been very friendly. Food is great. So weather is too much. So are you coming? I'm from Kashmir. Are you coming Kashmir? Not this time. Next time. Maybe. Spend a lot of time here. Actually, spend. How many days you are here? Just till tomorrow. Yeah. Okay. Tomorrow you will go. So thank you, brother. Thank Have you. Have a so nice much. Day. Have a good one. Thank you. जो भाई साहब अभी मुझे मिले थे वो थे यूरोप के, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत गर्मी है और यहाँ का फूड जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो मैंने उनसे बोला था कि कश्मीर आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि मैं खाली 3 दिनों के लिए यहाँ पे रुका हूँ। तो बाकी अब और किसी और से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं इस जगह के बारे में। तो चलो चलते हैं। आप कहाँ से हो? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो, क्या करते हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलमान मलिक है। अच्छा जी, क्या करते हो? मैं, मेरा खुद का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है मेरी। अच्छा ठीक। तो इस मस्जिद के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नॉलेज लो किसी और। नॉलेज नहीं है आपको, तो फिर क्या करने आ गए यहाँ पे? ऐसे ही मेरा थोड़ा सा काम था, मैं आ गया। यहाँ पे कौन सा फेमस मार्केट है? ये जामा मस्जिद बाजार मार्केट, यही फेमस है। खाने के लिए कौन सा?
हाँ मटिया महल और ये बाजार दोनों ही फेमस है। अच्छा कपड़े अगर कहीं से लाने होंगे तो कौन सा मार्केट बेस्ट रहेगा? कपड़े, हाँ जी कपड़े सरोजनी नगर से सस्ते सस्ते बिल्कुल। अच्छा जी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह ये सब करोल बाग वगैरह से। खाना कहाँ से मिलेगा? अच्छा मटिया महल से। ओके सर थैंक यू। कहाँ से हो भाई साहब? राजस्थान से। तो राजस्थान से यही पे होते हो? अच्छा एंजॉय करने के लिए? काम करते हो? कौन सा काम? कौन सा काम? इधर ही करते हो? गफार मार्केट। गफार मार्केट, अच्छा ठीक। अब नमाज पढ़ने आ गए हो या ऐसे चक्कर कर घूमने भी? और कोई है साथ में? कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा चलो जी अच्छी बात है। ये जामा मस्जिद दिल्ली है, अभी हम इधर रुके हैं। ये बाकी मस्जिदों से डिफरेंट है, यूनिक है, क्योंकि इसके मीनार आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 एट ए टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। अभी हम उस मीनार पे चढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे, पूरा दिल्ली जो है उधर दिखता है। और वहाँ पे हमें टिकट देनी पड़ती है 50 रुपीज़ पर पर्सन, सुनने में वही आया है। तो अभी हम उधर चढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे बाहर का व्यू और जामा मस्जिद का व्यू। तो चलो चलते हैं। यहाँ से जो है हमने टावर की टिकट ली है, तो अब हम ऊपर चढ़ेंगे टावर पे, मीनार पे। तो अभी जाते हैं ऊपर मीनार की ओर। ये है सीढ़ियाँ, तो इनसे ही हमें गुजरना है। यहाँ का व्यू, उधर चढ़ना है हमें। तो ये है दूसरा गेट, यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जामा मस्जिद की इमारत पे लिखना सख्त मना है। तो अभी चढ़ रहे हैं हम यहाँ से, तो अभी देखते हैं कितना लंबा सफर होगा यहाँ से। अभी इधर तक आ गए, अभी और ऊपर जाना है। चलिए फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। बहुत ही डरावना। यहाँ पे ऊपर बहुत चढ़ते हैं, बहुत ही तंग रास्ता है। ये है कुछ रास्ता, गोल गोल घुमा के फिर ऊपर चढ़ेंगे। अभी पता नहीं कितना दूर है। यहाँ से सांस लेने के लिए एक खिड़की रखी हुई है। यह है कुछ बाहर का व्यू। अभी ऊपर और चढ़ना है, तो चलिए ऊपर की ओर। बहुत थकावट हो रही है, पसीना देख सकते हो कितना आ गया है। आमिर भाई मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं उनसे, बहुत मुश्किल हो रहा है। आमिर उठ के आजा। तो फाइनली हम पहुंचे हैं टॉप पे, यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं देख सकते हो। और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये है कुछ दिल्ली का व्यू। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो गई है। तो चलो निकलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे इतने चक्कर देने पड़ते हैं कि सर घूम जाता है। अभी निकले हैं हम वापस यहाँ से, बहुत थक गए हैं ऑलरेडी, बहुत पसीना आ गया है यहाँ से। मेरे पीछे एक छोटी चल रही है जो कि सीढ़ी गिर रही है। अभी आ गए 79, इसके बाद देखते हैं एंड तक कितने आएंगे इसको। 89 स्टेप्स। लो जी हम आ गए हैं थोड़ा सा बाहर।
कितने आ गए? 120 आ गए यहाँ तक। चलो ठीक है, अभी और है। वहां पे हम चढ़े थे, वक्त आ गया है जामिया मस्जिद से अलविदा कहने का। तो हम गेट नंबर 1 से आ गए थे, अब जाएंगे वापस गेट नंबर 2 से। तो आज का जो वीडियो था यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।